सम्मिश्र संख्याओं के योग के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला जो गुणधर्म है वह है संवरक नियम या फिर क्लोजर लॉ। यदि z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो इनका योग से बनने वाला जो संख्या होगा वह भी एक सम्मिश्र संख्या होगा, यह संवरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। तो z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या हो तो हम लिख सकते हैं z1 plus z2 equal to z2 plus z1, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का योग जो है उसके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नियम है सहचार्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। z1, z2 और z3 यदि तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो हम z1 plus z2 इसे हम एक ब्रैकेट में फिर प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं z2 प्लस z3। यह है सहचार्य नियम। अगला नियम है योज्य तत्समक या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है इसमें एक सम्मिश्र संख्या हम ले सकते हैं z1 इक्वल टू 0, 0, मतलब z1 इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इसमें आप किसी सम्मिश्र संख्या को जोड़ेंगे तो आपको वही सम्मिश्र संख्या मिलेगी, जैसे कि z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा 1 अगर है और इसमें आप z2 0 प्लस आयोटा इंटू 0 ये ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा x1 प्लस आयोटा y1। तो इस तरीके से 0, 0 जो सम्मिश्र संख्या है यह सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। पांचवा गुणधर्म है योज्य प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स। यदि z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है तो हम एक दूसरी सम्मिश्र संख्या z2 इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b इस प्रकार के मिलेगा कि दोनों को जोड़ने पे हमें शून्य मिलेगा या फिर शून्य एक सम्मिश्र संख्या मिलेगी 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें पहला नियम यह है संवरक नियम या क्लोजर लॉ। यदि z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल से जो प्राप्त संख्या होगी वह भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, यह संवरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ। z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या हो तो z1 into z2 equal to z2 into z1 होगा, अर्थात किसी भी क्रम में आप गुणा करेंगे जो गुणनफल होगा वह उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है, यह क्रम विनिमय नियम है। तीसरा नियम है सहचार्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। z1, z2 और z3 ये सम्मिश्र संख्याएं हैं तो z1 और z2 को पहले प्रोडक्ट करके उसमें अगर z3 का गुणा करेंगे तो वो बराबर होगा कि z1 में हम z2 और z3 को पहले से गुणा करके उसमें गुणा करें। तो यह जो नियम है यह सहचार्य नियम है। चौथा नियम है गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y अगर है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी सम्मिश्र संख्या मिलती है z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें वही सम्मिश्र संख्या मिलती है जो कि एक्स वाई है, अर्थात 1 0 यदि हम इसे ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म के रूप में लिखें तो ये जो 1 0 है यह गुणात्मक सर्वसमीका है और इसे सम्मिश्र संख्याओं के लिए गुणन तत्समक कहते हैं। पांचवा गुणधर्म है गुणन प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो ऐसी सम्मिश्र संख्याएं जिनका गुणनफल एक हो तो उसे हम एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहते हैं। यदि z1 into z2 equal to 1 0 एक ऑर्डर्ड पेयर में हमें मिले तो इसे तो z1 और z2 को एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम ये दोनों एक ही है। छठवां नियम है वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। z1, z2 और z3 अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं z1 इंटू ब्रैकेट में z2 प्लस z3 है तो ये इक्वल होगा z1, z2 प्लस z1, z3 के। तो जिस तरीके से हम गुणांश की संक्रिया में सामान्य तौर पर वितरण नियम का उपयोग करते हैं वही वितरण नियम यहां पर भी लागू होता है। त्रिभुजीय असमता या फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसका कथन यह है दो सम्मिश्र संख्याओं के योगफल का मापांक
उनके मापांकों के योगफल से कम अथवा उसके बराबर होती है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, जहां पर जेड वन और जेड टू दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं z1 into z2 का mod equal to mod of z1 into mod of z2। इसी तरीके से अगला नियम है दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का मापांक उनके मापांकों के भागफल के बराबर होता है। z1 upon z2 का mod equal to mod of z1 upon mod of z2। दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का कोणांक उनके कोणांकों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2। दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का कोणांक उनके कोणांकों के अंतर के बराबर होता है। अर्थात argument of z1 upon z2 equal to argument of z1 minus argument of z2।